नमस्कार। आइए आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा दशमी की हिंदी विषय की पुस्तक क्षितिज। उसमें सूरदास जी का पाठ संकलित किया गया, पहला पाठ है। उसमें पद क्रमांक 2 मधुकर श्याम कौन तू गोरी। तो आइए इसके शब्दार्थ, इसके भावार्थ और इसकी काव्यगत विशेषताओं को देखते हैं। सर्वप्रथम मैं इस पद का वाचन करूंगा, आप लोग ध्यान से सुने। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरी लियो तनक चितवन में चपल नैन की कोर। पकड़े होते हृदय पुर अंतर प्रेम प्रीति के जोर। गई छड़ाई तोरी सब बंधन दे गए हंसनी अकोर। चौकी परी जागत निसि बीती दूत मिलियो एक भोर। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो नागर नवल किशोर। आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्दार्थ है मधुकर। मधुकर शब्द का अर्थ भौरा होता है, यहां इसका आशय उद्धव जी से है। दूसरा शब्दार्थ है हरी लियो। हरी लियो का मतलब है चुरा लिया, आकर्षित कर लिया, मोहित कर लिया। चितवनी, चितवनी शब्द का अर्थ है दृष्टि या नजर। चपल, चपल शब्द का अर्थ है चंचल। उर का मतलब है हृदय या मन के लिए भी इसका प्रयोग होता है। अकोर, अकोर यानी घूस देना या रिश्वत देना। निशी, निशी शब्द का अर्थ है रात्रि या रात। सर्वस यानी सर्वस्व, सब कुछ। नागर, नागर शब्द चक्र के लिए आया है और यहां भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आइए इसका भावार्थ देखते हैं। आपको ध्यान होगा, भगवान कृष्ण जब गोकुल को छोड़कर मथुरा चले गए थे तब गोपियां उनकी गृह व्यथा में बहुत दुखी रहती थी। तब भगवान कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव जी को उनके पास भेजा था, गोपियों के पास, ये कहकर कि इनको निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश देना। उद्धव जी जब आए गोपियों के पास और उनको निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश दिया तो गोपियों को ये बहुत बुरा लगा। उनको लगा कि भगवान कृष्ण ने ये संदेश उनके पास भिजवाकर उनके प्रेम को ठुकरा दिया। अतः उन्होंने उद्धव जी पर भी व्यंग किया, भगवान कृष्ण पर भी व्यंग किया और अपने मन के दुख और अपने मन की पीड़ा उसका वर्णन किया है। उसी प्रसंग में ये पद कहा गया है। गोपियां उद्धव जी को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे मधुकर अर्थात हे उद्धव जी, श्याम अर्थात भगवान कृष्ण जो हैं, हम तो ये कहती हैं कि वो चोर हैं, कि हमारे भगवान कृष्ण वो चोर हैं। चोर किस मायने में? चोर इस मायने में कि उन्होंने हमारे हृदय को, हमारे मन को चुरा लिया। और कैसे चुरा लिया? मन हरी लियो, हमारे मन को हर लिया, चुरा लिया। तनक चितवनी में चपल नैन की कोर, चपल यानी चंचल। उन्होंने अपने चंचल नेत्रों की एक कोर यानी किनारा, चंचल नेत्रों की तिरछी दृष्टि, तनक यानी जरा सी, उन्होंने अपने चंचल नेत्रों की एक जरा सी तिरछी दृष्टि हम पर डाली। लेकिन वो दृष्टि इतनी मनमोहिनी थी कि उस एक दृष्टि में ही भगवान कृष्ण ने हमारा मन हमसे ले लिया, हम भगवान कृष्ण से प्रेम का बंधन जोड़ बैठी। हमने भी पकड़े होते हृदय पुर अंतर प्रेम प्रीति के जोर, हमने भी अपनी प्रेम प्रीति इसके बल से, अपनी प्रेम प्रीति की, अपने प्रेम के बंधन से, उसके बल से पकड़े होते, पकड़ लिया भगवान कृष्ण के हृदय को भी हमने पकड़ लिया, उसको भी बसा लिया पुर अंतर।
अपने गुरु के अंतर में, अपने हृदय में हमने प्रेम और प्रीति के जोर से भगवान कृष्ण के हृदय को भी अपने हृदय में बसा लिया, उनके प्रेम को बसा लिया। लेकिन भगवान कृष्ण तो चतुर है ही, उन्होंने चतुराई क्या दिखाई? भगवान कृष्ण गई छड़ाई तोरी सब बंधन, हमने जो प्रेम प्रीति के बंधन से इनको जोड़ रखा था, लेकिन भगवान कृष्ण उन्होंने हंसनीय कोर अपनी एक हंसी रूपी रिश्वत वो हमको दी, और हंसी रूपी रिश्वत देकर वो सब बंधन तोरी तोड़कर चले गए, छड़ाई है ना छोड़कर, हमें छोड़कर चले। तो मात्र अपनी हंसी रूपी रिश्वत देकर वो हमारी प्रेम प्रीति के सब बंधनों को तोड़कर और चले गए, हमारे हमसे नाता छुड़ा। चौकी परी कि जैसे ही हमको इस छल का पता चला, भगवान कृष्ण की इस चतुराई का पता चला, हम चौंक पड़ी, हम जाग गई, और जागत निशी भी थी, और जागते जागते ही सारी रात्रि बीत गई, और प्रातःकाल हम उनको ढूंढने के लिए निकलने वाली थी। हम जैसे ही उनको ढूंढने के लिए निकले, दूत मिले एक बोल और हमको एक भौरे के रूप में एक दूत मिल गया, भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण ही मिले, उनका दूत मिल गया, और उस दूत ने हमको निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश दिया। क्या करें, हमको ऐसा लगा जैसे हम पूरी तरह से छली गई, पूरी तरह से ठगी गई। इसलिए सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव जी, प्रभु यहां प्रभु भगवान कृष्ण के लिए आया, प्रभु सर्वस्व लूट्यो, कि भगवान कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया, हमारा सुख हमारा चैन वो सब कुछ अपने साथ में ले गए। तो भगवान कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया, कौन से भगवान कृष्ण ने? नागर मुझे चतुर नवल किशोर भगवान कृष्ण के लिए। तो सूरदास जी के अनुसार गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव जी, उस चतुर भगवान कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया, और हम अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। इस प्रकार इस पद में गोपियों की पीड़ा का और उनके दुख का वर्णन हुआ है। आइए इसकी काव्यगत विशेषताओं को देखते हैं। यदि काव्यगत विशेषताओं में हम भाव पक्ष की विशेषता देखें, सबसे पहले हम यही देखेंगे इसमें गोपियों के मन की पीड़ा, उसका चित्रण हुआ है कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ने उनसे प्रेम का संबंध जोड़ा, और आखिर में उस प्रेम संबंध को छोड़कर वो मथुरा चले गए, और उन्होंने प्रेम का उत्तर प्रेम से नहीं दिया, इसी बात की पीड़ा यहां गोपियों ने व्यक्त की। गोपियों ने भगवान कृष्ण को चोर कहा, इसका मतलब गोपियों की भगवान कृष्ण पे किया गया व्यंग भी हमको यहां दिखाई देता है। तो हमको यहां गोपियों की व्यंग कला के भी दर्शन होते हैं जो कि भगवान कृष्ण के प्रति की उन्होंने। साथ ही अगर भाषा की दृष्टि से बात करें, कला पक्ष की दृष्टि से, तो सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है, और ब्रज भाषा का साहित्यिक और प्रांजल रूप वो हमको इस पद में दिखाई देता है। भाषा सरल सुबोध और भावानुकूल है, अलंकार की दृष्टि से देखें तो अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य तो हमको दिखाई दे ही रहा है, किंतु हंसनी अकोर में हमको रूपक अलंकार के भी दर्शन होते हैं। तो इस पद में रूपक और अनुप्रास इन अलंकारों का सहज और बड़ा सुंदर प्रयोग हमको मिलता है। यदि पद की दृष्टि से देखें हम तो पद छंद की दृष्टि से देखें तो छंद पद है, और इस छंद में देवता और संगीतात्मकता का गुण है, और शैली गोपियों ने अपने मन के भाव प्रकट किए और व्यंग किया, इसलिए भावात्मक और व्यंग्यात्मक दोनों प्रकार की शैलियों के दर्शन हमको इसमें होते हैं। धन्यवाद।